हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? ये तूफान का टेबल फैन है और चल नहीं रहा है, बिल्कुल जाम है ये, आप देखिए इसको। और ये देखिए बिल्कुल ही जाम है। और क्या प्रॉब्लम है आइए देखते हैं। तो ये इसका नीचे का ढक्कन खुले खोले हम, तो वायर सब ओपन है, कंटिन्यूटी भी चेक करना होगा इसका। इसके बाद जो जाम है उसे भी ठीक करना होगा। तो ये देखते हैं इसका कंटिन्यूटी पहले चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी तो नहीं बता रहा है, यानी इसका तीनों का तीनों वायर ओपन हो चुका है और जाम भी है। ये दोनों ही इसका जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करना होगा, तभी ये फैन चल पाएगा। इसका ऊपर का भी खोलते हैं, मोटर कॉइल वाला इसे खोल लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल जाम है, ये घूम नहीं रहा है। इसे खोलते हैं और खोलने के बाद इसका जो स्टेटर है इसे बाहर निकालते हैं। तो ये खुल चुका है, लेकिन इससे भी बाहर निकालना होगा। निकालते हैं बाहर। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो को होल्ड कर लेते हैं और इसे हम बाहर निकालते हैं स्टेटर को। इसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम। तो ये निकल चुका है, इसमें कई सारा वायर जो है देखिए कटा हुआ है, इसे ज्वाइंट करना होगा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। वैसे तो वायर जो है ये कटा हुआ ज्वाइंट करने का हम कई वीडियो बना चुके हैं, इसलिए ये शॉर्टकट में दिखाते हैं आपको। और इसका जो आज का मुख्य वीडियो का जो मतलब है, तो जो जाम है उसे कैसे ठीक करना है वो होगा। इसलिए कॉइल को हम इस वीडियो में पूरी तरह से नहीं दिखा पाएंगे, सिर्फ आपको जाम को दिखाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये वायर कटा हुआ था, इसे हमने ज्वाइंट कर दिया है और इसको हम आपको इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि वायर को कॉइल जो कटा हुआ है उसे ज्वाइंट करते हुए वीडियो इसमें बना हुआ है ऑलरेडी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और देख सकते हैं। और ये कंप्लीट हो चुका है जो कटा हुआ था, कंटिन्यूटी बता रहा है, यार चेक करके आपको बता देंगे। अब इसका सबसे जो मुख्य है इसका जो है ये जाम है, इसे कैसे ठीक करना है ये हम आपको लाइव दिखाते हैं। ये जो ऊपर नीचे का ढक्कन है इसका, ये ढक्कन है बैक साइड का, और इसका ये जो ढक्कन है ये वाला, ये फ्रंट है आगे का है। तो इसे पंखी को खोल कर निकालना होगा, इसके बाद इसका स्टेटर निकालना होगा और जो जाम है इसे कैसे ठीक करना है। तो इसका स्टेटर जो है, किसी किसी में क्या होता है कि ये फंसता है, ये रोटर जो है स्टेटर में फंसता है, लेकिन इसमें वो समस्या तो नहीं दिख रहा है। इसका बूस्ट का प्रॉब्लम है, इसको बूस्ट का प्रॉब्लम है, बूस्ट चेंज करना पड़ेगा या इसी को फ्री कर देना है, इसे देख पाते हैं आपको। ये जो बूस्ट है ये देखिए इसे खोलना होगा, ठीक है, ये दोनों साइड का खोल लेना होगा। तीन पेच होता है इसमें, तीनों पेच को खोलकर इसके बाद इसका जो बूस है
वो घिसा हुआ तो नहीं है, सिर्फ लूज है, इसलिए जब इसमें करंट जाता है, मैग्नेट बनता है, तब जाम हो जाता है, और वैसे भी ये जाम था। तो ये बूस्ट को कुछ नहीं करना है, ये तो ठीक है, ये घिसा हुआ नहीं है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, इसे क्या करना होगा, इस हथौड़ी से इसको कैसे करना है दिखाते हैं आपको लाइव। ये देखिए, इसको हथौड़ी से ऐसे ठोक लेना है ताकि जो आपको हल्का तिरछा दिखेगा, देखिए ये हल्का गड्ढा टाइप के है, तो इसे हम बराबर कर लेंगे, बिल्कुल बराबर हो जाए। तो कसने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके इसे कसना है। इसके इससे क्या होगा, जो बूस है, अब ये जो बूस है, ये देखिए पहले क्या होता था कि ये इसको ये बिल्कुल इसके साथ बॉडी के साथ बिल्कुल ऐसे सट जाता था। अभी देखिए इसको जब बराबर पे रखते हैं तीनों को, तो ये बॉडी के साथ सटता नहीं है, इतना गैप रहता है। ये देखिए ये तीनों तरफ गैप है, और ये जो गैप है यही क्या करेगा कि बूस को टाइट करेगा। गैप को जब हम इसमें टच करने की कोशिश करेंगे, टाइट करने की कोशिश करेंगे, सटाने की कोशिश करेंगे, तो बूस जो है टाइट हो जाएगा। इसके बाद जो जाम का समस्या है वो आपका 50%, और इसके बाद 50% और कैसे दूर करना है दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। अब इसे वापस उसी तरह से टाइट कर लेना है जिस तरह से हम बारी बारी से तीनों को खोले थे, एक साथ तीनों को टाइट करना है बारी बारी से। ऐसा ना हो कि पहले एक ही पेच को पूरा टाइट कर दें तो फिर आपको परेशानी होगा, और इसका जो चूड़ी है गुना वो भी स्लिप कर सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटा साइज का इसमें पेच लगा है, तो जो इसमें गुना कटा हुआ है, चूड़ी कटा हुआ है, वो बिल्कुल बारीक है, तो ये स्लिप कर सकता है। तो स्लिप ना करे इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को बराबर टाइट करेंगे। ठीक है, अब देखिए दो टाइट ज्यादा हो गया, तो इधर का जो तीसरा जो पेच है इसको देखिए कितना गैप हो गया, इसलिए तीनों को बराबर टाइट करना है। ये तीनों को बराबर से टाइट करना है, अगर एक चक्कर इसे टाइट करेंगे तो एक चक्कर इसे टाइट करेंगे, इसके बाद एक चक्कर इसे टाइट करेंगे, इस तरह से टाइट कर ले, और इसे इतना टाइट करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है, इसका जो चूड़ी है गुना है वो स्लिप ना करे और टाइट भी हो जाए। ये बारी बारी से तीनों को बराबर से टाइट करना है, ऐसा नहीं कि एक ही को टाइट कर दिए और दो को ढीला छोड़ दिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बारी बारी से तीनों को टाइट कर लेना है, बिल्कुल टाइट हो चुका है। और इसी तरह से जो बैक कवर कवर का है, बैक कवर का जो बॉडी है उसका भी इसी तरह से निकाल के जैसे इसको किए, इसको निकाल कर खोल कर और इसे हथौड़ी से सीधा कर लेना और टाइट कर लेना है। हम उसको आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें जो ये लगा हुआ है वॉशर दोनों तरफ, ये जो लगा हुआ है ये इसको निकलना गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ढक हो जाएगा, आगे पीछे होगा और कॉइल कट सकता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें ये ज़्यादा गैप ना रहे बीच में। ये हम आपके सामने दिखाएं, और ये बैक साइड का भी टाइट हो चुका है, और अब हम इसे आपको टाइट करके दिखाते हैं। तो टाइट करते समय इस बात का ख्याल रखें कि जो ये वाला रोटर, इसको जब लगाना है बहुत ही सावधानी से, वायर जो है इसका कॉइल वो ना कटे, इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानी से
इसके बाद इसका पेच टाइट कर लेना है दोनों। इसके बाद आपको दिखाते हैं पंखी कितना फ्री हो गया। अगर ये नट जो लंबा सा है इसको लगाने में लंबा सा नट है, अगर इसको लगाने में आपको परेशानी होता है तो इसको आराम से एक तरफ लगाकर दूसरे तरफ का जो इसका होल है उसके सामने करके इसको आर पार करके टाइट कर लेना है। ठीक है, इसको दोनों को बिल्कुल टाइट कर लेना है, लूज नहीं छोड़ना है, दोनों तरफ से टाइट कर लेना है। तो ये देखिए ये फिट हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल ही टाइट है, जरा सा भी नहीं घूम रहा है। अब इसे क्या करेंगे, हल्का हल्का ठोकेंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे। तो ये देखिए ये फ्री हो रहा है, हल्का और ठोकेंगे, ये बिल्कुल फ्री हो चुका है, लेकिन इसमें हल्का तेल, ये हल्का ऑयल डाल देंगे ताकि और ज़्यादा बढ़िया फ्री हो जाए आगे और पीछे दोनों साइड से। ऑयल को डाल देंगे ताकि और बेहतर तरीका से फ्री हो जाए। पीछे का ये बैक साइड का ये जो ढक्कन आपको दो पेच दिखेगा यहाँ पे, इसे खोलकर पीछे से भी ऑयल हल्का डाल देंगे ताकि एकदम बिल्कुल फ्री हो जाए, जरा सा भी जाम नहीं रहे। तो ऑयल जो है आप मोबिल डाल सकते हैं या मशीन तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। और ये देखिए ये पीछे से फूल चुका है, तो इसमें हल्का सा ये डाल देंगे। और इसे घुमा देंगे, ये देखिए ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो इस तरह से ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब हम इसमें गायना को फिट करके दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब इसका नीचे साइड से कनेक्शन को कर लेना है। ये देखिए इस कनेक्शन को ठीक करना है, ये कंटिन्यूटी चेक करके आपको दिखा लेते हैं। ये बता रहा है, ये भी बता रहा है। इसका कंटिन्यूटी ये देखिए, ये रेड जो है ये मेन है, ये बता रहा है और ये भी बता रहा है, पहले नहीं बता रहा था। इसके बाद इसका कनेक्शन करके चला कर दिखाते हैं आपको। इसका कैपेसिटर भी थोड़ा कमजोर है, कैपेसिटर चेक करने का तरीका हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार और दिखा देते हैं आपको। ये सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में लगा हुआ जो है उसे ऐसे सप्लाई देंगे, ऐसे देकर इसके बाद इसे शॉर्ट करके देख लेंगे। अगर स्पार्किंग ज़्यादा आता है तो कैपेसिटर ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इसमें नया नहीं लगा कर हम एक पुराना कैपेसिटर को लगाएंगे और आपको चला करके दिखाएंगे। तो ये कैपेसिटर
तो ये कैपेसिटर लग चुका है और अभी ये करीब कंप्लीट हो चुका है और अब सिर्फ आपको चलाकर दिखाते हैं, बस इसे फिट करना है। तो आइए अब चलाकर दिखाते हैं आपको। ये रहा इसका प्लग, ये देखिए फर्स्ट क्लास चल रहा है, सेकेंड, थर्ड और ये ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से अगर जाम हो गया है तो आप आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को देखकर ये बूश बैठाने का बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका है। बूश इसका जो है आयरन होता है, इसलिए जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर कॉपर का बूश लगा हो तो कट जाता है, ढीला भी हो सकता है। तो वो ये आपको देखना होगा, अगर ख़राब हो गया है बूश, थोड़ा ढक है मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर आपका ये घुमाएंगे और अगर ज़्यादा ढक होता है, ये आगे पीछे तो जाता है लेकिन ऊपर नीचे बिल्कुल सही है, ये ऊपर नीचे सही है। अगर ऊपर नीचे होता है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट होता है तो फिर बूश लूज हो गया है तो आपका पंखा नहीं चलेगा। जैसे ही वैसे जब ऐसे चलाएंगे तो फ्री चलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें लाइन देंगे वो एक तरफ सट जाएगा, मैग्नेट बनाएगा तो सट जाएगा, नहीं चल पाएगा पंखा। तो इस तरह से अगर आपका समस्या है तो ठीक कर सकते हैं आप आसानी से। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।